हेलो एवरीवन, बच्चों हम लोग बात की थी कि बहुत जल्दी हम लोग केस स्टडीज डिस्कस करने वाले हैं। तो यस बिल्कुल, तो केस स्टडीज से घबराने वाली कोई बात नहीं है बच्चों। समझ लीजिए कि 8 मार्क्स आपके बेसिक नॉलेज पे ही मिलने वाले हैं, हल्का सा टच उसमें आपकी क्लास 12th का रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है, एन आर्किटेक्ट डिजाइन अ बिल्डिंग फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी, द फ्लोर कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर रीजन विथ सेमी सर्कुलर एंड्स हैविंग अ पेरीमीटर ऑफ 200 मीटर एज शोन इन फिगर। बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। आपको एक मल्टीनेशनल कंपनी ने एक बिल्डिंग बनाई है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है और उसका जो फ्लोर है वो इस तरह का एक कंबाइन फिगर है। यहाँ पे है एक रेक्टेंगल और यहाँ पे दोनों एंड में दो सर्कल, सेमी सर्कल्स लगे हुए हैं, जैसे आपने 10th में भी मेंसुरेशन में से पढ़ा होगा, 9th-10th में। तो इस तरह का फ्लोर है, जो बिल्डिंग है उसकी, उसका फ्लोर ये है और उसका पेरीमीटर जो है वो है 200 मीटर। तो जो इन्फॉर्मेशन है निकल के सामने आ रही है क्वेश्चन से कि ये बिल्डिंग है, इससे मतलब नहीं है। इसका फ्लोर ऐसा है, आपको इसको देखना है, इसका पेरीमीटर जो है वो है 200 मीटर, ठीक है। और इसमें जो रेक्टेंगुलर पार्ट है फ्लोर का, उसकी लेंथ है x और ब्रेथ है y। ये एक रेक्टेंगल जैसा है, ठीक है। तो अब आपको इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये 5 क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें से 4 करना है। यहाँ पे भी एक ऑप्शन है, इन केस अगर आपको हल्का सा कुछ डाउट लग रहा है किसी क्वेश्चन में, उसको छोड़ के आप बाकी के 4 कर सकते हो। क्वेश्चन है इस इंफॉर्मेशन में, कह रहा है कि x एंड y रिप्रेजेंट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रिक्टेंगुलर रीजन, देन द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, रिलेशन के मतलब वेरिएबल्स के बीच क्या रिलेशन होगा। अगर पेरीमीटर की बात हो, पेरीमीटर 200 दिया, पेरीमीटर इसमें होगा क्या? पेरीमीटर मतलब हमें ये इस वे में जाना है, ये सेमी सर्कल हो गया और ये हो गया प्लस ये हो गया, तो और ये इन सबको जो बाउंड्री दिख रही है आपको, ये फाइन करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास दो बार एक्स आ जाएगा प्लस, और ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल, जब मैं अगर उनको ज्वाइन कर दूँ तो मुझे एक सर्कल मिल जाएगा, और सर्कल का जो सरकम पेरीमीटर यानी सरकमफेरेंस होता है 2πr होता है, ठीक है, 2πr। अब 2r यानी कि डायमीटर, आप देख सकते हो कि जो सेमी सर्कल का जो डायमीटर है वो कुछ और नहीं है बल्कि y के इक्वल है, है ना। ये देखिए डायमीटर, तो 2r यानी डायमीटर, डायमीटर की जगह मैं y लिख सकती हूँ, तो y पाई, तो 2x प्लस y पाई इज इक्वल टू 200। अब अगर हम लोग बस इतना ही सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन है, 2x प्लस y पाई इक्वल टू 100, तो ये b नंबर है। तो हमने इसे ध्यान से देखा और पैरामीटर का फॉर्मूला यूज कर लिया 10th बेस का, देन वी गॉट द आंसर दैट b इज आंसर, ठीक। क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन a यहाँ पे है रेक्टेंगुलर रीजन एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ x। अगर आप इसके एरिया को x के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ से आप क्या करो, सबसे पहले y निकालो, जो मैं अपन लोगों ने पहले से निकाला है ना, 200 माइनस 2x आएगा, तो y की वैल्यू जो है 200 माइनस, ये जो रिलेशन हमने अभी डिराइव किया ना, उसमें से आप y निकाल लो, क्योंकि अभी y की जरूरत पड़ने वाली है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि इसका एरिया, ये जो रेक्टेंगल है उसके एरिया को आप x के फॉर्म में कैसे लिखोगे? तो हम लोग सेकेंड का सोल्यूशन आप रॉफ में ही करो, सीधे आपको टिक करना है, आपको एक्सप्लेन नहीं करना है हम, लेकिन आपको समझा रहे हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ एक्स है और ब्रेथ वाई है, तो एक्स इंटू वाई, लेकिन इसे आंसर सिर्फ एक्स में चाहिए, तो ये एक्स को ऐसे रहने दो और ये जो वाई है उसकी वैल्यू ये वाली आप रख दो जो हमने अभी निकाली थी। तो 200 माइनस 2x बाय पाई, ठीक है, तो कौन सा आंसर इसके जैसे लग रहा है? ये फर्स्ट वाला आंसर है, 2 कॉमन ले लिया इसने, तो ये आ जाएगा आपका। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन लूँ तो वी गेट एग्जैक्टली सेकेंड पार्ट। आते हैं थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन समझ लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया ए। अब मैक्सिमम आ गया, यानी अब मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट शुरू होता है। फर्स्ट 2 क्वेश्चन में तो हमें ऐसा कुछ यूज़ नहीं है, हमने मेंसुरेशन का यूज़ किया था। मैक्सिमम एरिया वैल्यू ऑफ एरिया हमें अभी क्या मिला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट यानी ये मिल चुका है, हमने अभी निकाला था कि 2πr, ये एरिया हमने निकाला था 2πr 100x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने निकाला। ये हमारा फंक्शन है जिसमें ओनली वेरिएबल x है, तो हम लोग मैक्सिमा मिनिमा के लिए जानते हैं वी हैव टू डिफरेंशिएट वन टाइम विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल प्रेजेंट ओवर द इक्वेशन। तो 2πr कांस्टेंट है, 100x का डेरिवेटिव 100 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ठीक है। तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर बीइंग मैक्सिमा एंड मिनिमा, क्रिटिकल पॉइंट, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, यानी इसको 0 के इक्वल करेंगे तो हमें कुछ वैल्यू मिलेगी, वो उसी पॉइंट पे फंक्शन
या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा रखेगा। तो ये आ जाएगा यहाँ से, जब जीरो के इक्वल करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाता है, ये कॉन्स्टेंट जीरो के साइड x इक्वल टू 50 मिल रहा है, x इज इक्वल टू 50 मिलता है। तो अब इस पॉइंट को हम लोग a में रख देंगे, तो a मैक्स मिल जाएगा आपको, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a। तो 50 अगर मैं यहाँ पर रख दूंगी तो ये हो जाएगा आपका है, तो ये आ जाता है 2 बाई पाई 5000 माइनस 25 यानी 2500, यानी कि आ जाएगा 5000 बाई पाई। तो ये कोई ऑप्शन है क्या, 5000 बाई पाई? यस इट इज थर्ड ऑप्शन सी। तो ये आपका आंसर हो गया थर्ड क्वेश्चन का। तो अब हम लोग आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन इज द सीईओ ऑफ कंपनी इज इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग द एरिया ऑफ द होल फ्लोर इंक्लूडिंग द सेमी सर्कल एंड फॉर दिस टू हैपन द वैल्यू ऑफ एक्स शुड बी। यानी ये कह रहा है कि जो कंपनी का सीईओ है वो ये जो पूरा फ्लोर है सर्कल और रेक्टेंगल सबको मिला के उसके एरिया को करना चाहता है मैक्सिमाइज। मिनिमम एरिया ऑफ फ्लोर क्या होना चाहिए? तो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, है ना। तो सबसे पहले हम इस पूरे फ्लोर का एरिया निकालने चाहें अगर, तो क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सर्कल, दो सेमी सर्कल यानी सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो रेडियस का स्क्वायर, व्हाट इज रेडियस ऑफ दिस सर्कल? अगर डायमीटर जो है वाई है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, y by 2 हो जाएगी। तो रेडियस का स्क्वायर, तो दिस इज योर फंक्शन जिसे हमें करना है मैक्सिमाइज, ठीक। तो अभी हम प्रॉब्लम फिर वही है कि जब हम लोग मैक्सिमम मिनिमा पढ़ते हैं तो वी डोंट एक्सपेक्ट द सेकंड वेरिएबल, तो y हमें हटाना होगा। तो y हमने क्या निकाला था, तो y की वैल्यू हमने पहले इक्वेशन में निकाली थी, तो वो हम लोग यहाँ पे रख देंगे। x इंटू पाई यानी कि 200 माइनस 2x बाई पाई प्लस पाई टाइम्स, फिर से आप यहाँ पे y बाई 2 यानी y तो ये है ना, तो इससे 2 का डिवाइड करना है, यानी आ जाएगा 100 माइनस x बाई पाई का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका x इंटू 200 माइनस 2x बाई पाई प्लस पाई स्क्वायर, और ये पाई से पाई कैंसिल, 100 माइनस x बाई, एक पाई अभी नीचे बचेगा और इसका स्क्वायर। तो इस फ्लोर का एरिया ये है। अब इस एरिया को हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज के लिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो हमने पढ़ा था कि हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो पाई कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, 200x का डेरिवेटिव 200 हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये हो जाएगा 4x प्लस अगेन पाई वुड बी एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव 2 इंटू 100 माइनस एक्स, और फिर इसका नेगेटिव 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है। फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा वी यूज टू इक्वेट द फर्स्ट डेरिवेटिव टू जीरो, यानी ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, सेम आ गया और ये आ जाएगा 200 माइनस 4x माइनस 2 प्लस 2x, तो ये इससे कैंसिल, माइनस 2x बाई पाई। तो जो आपका फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन है ना, ये बाई dx की वैल्यू, दिस इज योर dy बाई dx। तो जब हम इसे dx के इक्वल करेंगे तो माइनस 2x इज इक्वल टू पाई टाइम्स 0 यानी कि 0, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू 0 मिलती है, तो 0 है, यस दिस इज योर आंसर। तो द वैल्यू ऑफ x शुड बी, कह रहा है कि फ्लोर को अगर सी ओ कंपनी जो है वो मैक्सिमाइज करना चाहता है इसका, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो यस x की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 0 होनी चाहिए। चलिए अब आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट में। तो फिफ्थ पार्ट इज द एक्स्ट्रा एरिया जनरेटेड इफ एरिया ऑफ फ्लोर इज मैक्सिमाइज। अगर फ्लोर को हम मैक्सिमाइज कर देते हैं तो कितना एक्स्ट्रा पार्ट जनरेट होता है, ये डाउटफुल क्वेश्चन है, कई बच्चों को इसमें डाउट है। चलिए देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले हम लोग को एरिया ऑफ फ्लोर पूरा कितना है, एरिया ऑफ फ्लोर का इक्वेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। एरिया ऑफ फ्लोर हमने निकाला था ए इज इक्वल टू रिक्टेंगल का एरिया प्लस दो सेमी सर्कल का एरिया, यानी कि एक सर्कल का एरिया ये, और फिर वाई को हमने एलिमिनेट करके ये इक्वेशन एक बारी डिराइव कर चुके हैं हम, यानी एरिया का फॉर्मूला ये है, ये है इक्वेशन, टोटल एरिया ये है। अब अगर मैक्सिमाइज किया जाता है इस फ्लोर को, तो मैक्सिमाइज किस पॉइंट पे किया जा रहा है, क्योंकि हमें पॉइंट x इक्वल टू 0 मिला है, तो अगर मैं इसमें रख देती हूँ तो ये आ जाएगा अपन का 1 बाई पाई एंड 10,000 माइनस 0 यानी कि 10,000 बाई पाई आ रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमाइज करने के बाद इतना आ रहा है, लेकिन हमें लेना होगा आफ्टर मैक्सिमाइजेशन कितना बढ़ा, क्या चेंज हुआ। तो ये देखिए, जो डिफरेंस की बात हो अगर, तो डिफरेंस है 10,000, ये जो अभी हमें मिला है और जो पहले मैक्सिमम वैल्यू निकली थी, मैक्सिमम एरिया पहले आपका आ चुका है 5,000 बाई पाई। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लेती हूँ तो कितना आ जाता है 5,000 बाई पाई।
तो ये डिफरेंस इतना आ रहा है। तो मैक्सिमाइज करने के बाद भी 5000 बाई पाई आ रहा है, और पहले भी तो एरिया मैक्सिमम एरिया 5000 बाई पाई ही था, तो यानी कि अभी और पहले में कोई चेंज नहीं है, तो दोनों एरिया सेम है। तो इस हिसाब से जो CBSE ने इशू किया है सैम्पल पेपर, उसके आंसर के हिसाब से ये है कि बोथ आर सेम एंड नो चेंज। अगर हम मैक्सिमाइज करते हैं तो 10,000 बाई पाई आता है, और मैक्सिमम एरिया कितना आया था 5000, तो 5000 बाई पाई अभी भी आ रहा है और पहले भी आया था, तो उस हिसाब से उन्होंने आंसर ये दिया है। लेकिन अगर हम लोग इसे मैक्सिमाइज करने के बाद जो हमें एरिया मिला है 10,000, और इसको इस नंबर को देखें कि भाई ये एरिया आ रहा है मैक्सिमाइज करने के बाद, जबकि पहले बिना मैक्सिमाइज करने के तो एरिया ये था, तो अगर हम दोनों डिजिट को कंपेयर करें, दोनों नंबर्स को कंपेयर करें, तो ये ज़्यादा आ रहा है। कितना ज़्यादा आ रहा है? 5000 का आ रहा है। तो ये उस हिसाब से कुछ लोग इसे भी आंसर मान रहे हैं, कई बार उन्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से आंसर यही है। कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी क्वेश्चन के लिए दो आंसर सही लगते हैं, दो ओपिनियंस आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आप बी को भी टिक किए हो, डी को भी टिक किए हो, दोनों को भी आंसर कई बार मिल जाता है। बट मैक्सिमम इसका आंसर मुझे तो यही लग रहा है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम लोग केस स्टडी वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग आगे भी इसके क्वेश्चन जारी रखेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना है।